बोलो पूज्य श्री श्रीमती राधा रानी की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतश श्रीमद भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज एवं शिक्षा गुरु एवं सन्यास गुरु नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतश श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवृंद मातृ सज हरिकथा पिपासु श्रोतृवृंद एवं परम स्नेहशिला मातृवृंद सभी के चरण कमलों में मेरा यथार्थ दंडवत प्रणाम स्वीकार हूँ। गतकल से हम लोग कार्तिक व्रत और नियम सेवा व्रत ऊर्जा व्रत प्रारंभ किया, कल से शुरू किए थे हैं। ये कार्तिक व्रत की महिमा आप लोग ने श्रवण किया, इसको नियम सेवा मास कहा जाता है। एक महीने नियम करके व्रत पालन करने से आपकी सारी मनोवांछा पूरा हो जाएगी। इस महिमा की इस महीने की इतने महिमा क्या वर्णन करें, और विशेष करके इस महीने में यदि नियम करके भागवत कथा श्रवण करें उसकी फल कौन वर्णन करनी कर सकते हैं। सर्व वेदांत सारं ही श्रीमद् भागवतम इष्यते। समस्त वेद पुराण की सार क्या है, इस श्रीमद् भागवतम। निगम कल्प तरोर गलित फलं सुकम खाद्य समझुतम पीबत भागवत रस मालयम मुहु रहो रसिका भूवि भावुका। वेद रूपी कल्प वृक्ष के प्रपक्क जो है अत्यंत स्वादिष्ट गुठली रहित, गुठली भी नहीं है, छिलका भी नहीं है, रस और रस मालयम ऐसे सुंदर फल, और वो फल भी सुख पक्षी के द्वारा, तोते के द्वारा वो संस्पृष्ट हो गए, स्पर्श हो गए। और ऐसे सुंदर फल यानी ये श्रीमद् भागवत की कथा कोई कीर्तन करे श्रवण करे उनकी फल क्या प्राप्ति होगा, संग देवादिदेव महादेव ही करे हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। निगम कल्प तरोर गलित फल फलम सुकम खाद अमृत द्रव संयुतम पीबत भागवत रस मालयम। इस भागवत रूपी रस की जो है कौन पान करने वाले हैं, रसिका और भूवि भावुका। रसिक और भावुक जन इसको आस्वादन कर सकते हैं। इतने सुंदर भागवत की कथा जो है, हर समय तो आप लोग भागवत कथा भी श्रवण करते हैं, होता ही रहता है। इस मंदिर में कितने भागवत हुए हम बता नहीं सकते हैं, हुआ कि नहीं, और साल दो तीन चार छह भागवत होते रहते,
कथा भी आप लोग श्रवण भी करते रहते, किंतु कार्तिक महीने में भागवत हुआ इस महीने में 7 दिन है, ये पहली बार हुआ। क्यों कार्तिक महीने में सब कार्तिक व्रत करने के लिए वृंदावन चले जाते हैं। इस बार आईजीबीटी के जो निर्णय लिया ये 15 दिन परिक्रमा करेंगे, कार्तिक परिक्रमा करेंगे। तो मैंने सोचा 15 दिन क्या करेंगे, चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं, एक बार हम ट्राई करके देखते हैं ये रमन बिहारी गौड़ी बंबर दिल्ली में एक बार कार्तिक महीने में भागवत करके देखे। जीवन में अनेकों कुछ भी करते रहते हैं, किंतु भाग विशेष करके कार्तिक महीने भागवत की श्रीमद् भागवत कथा मृतम पान ये अतीब दुर्लभ कहा जाता है। परिक्रमा तो भी कर सकते हैं, क्यों देखो गुरुदेव कहते थे एक व्यक्ति के हरिनाम करने के बोलो कर बैठ कर कर नहीं पाएंगे, उसे काम में लगा दो काम करेगा है? और एक व्यक्ति के कथा श्रवण करने के लिए बैठा हो और भी कठिन हो जाए, बात सही है कि नहीं है? कलयुग में भगवत कथा श्रवण सुनना ये अति वजह कठिन कार्य है, क्योंकि जब हम कथा से श्रवण करते हैं मन को क्या करना पड़ता है, कंसेंट्रेट करना पड़ता है, एकाग्र करना पड़ता है, और हमारे कलयुग में हमारे मन कैसे है, चंचल मन है, मन बड़ा चंचल है, चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथी बलवद्दीर। अर्जुन भगवान के कहते हैं हे सखे मेरा मन बहुत चंचल है, इसके वायु रेव सुदुष्करम हवा की भांति ये इधर उधर भक्त रहता है, इसके कंट्रोल करना इतने सहज नहीं। बड़े बड़े मुनि लोग जोगी लोग योग आदि के द्वारा कुछ समय के लिए कंट्रोल कर लेते हैं फिर पुनः वो मन भक्त रहता है, विदाउट टिकट विदाउट पासपोर्ट और विदाउट वीजा सारा वर्ल्ड घूम करके आ जाएगा फिर बट चले जाते हैं। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन ये तो पूछ रहे हैं ये मन को कैसे मैं निग्रह करूं, कैसे मन को मैं केंद्रीभूत कैसे करूं, कंट्रोल कैसे करूं, उसके लिए स्वयं भगवान दो उपाय बताया। कितने उपाय बताए, दो क्या उपाय है, ज्ञानो वैराग्य च गृह्यते, अभ्यास और अभ्यास न वैराग्य च गृह्यते, अभ्यास करना पड़ता है बार बार, मन तो जाएगा उसे पुनः उसके पकड़ करके लाना पड़ेगा है अभ्यास। और वैराग्य क्या है, इंद्रियों की जितने हमारी कार्य जो है वो अपने आप विषय की तरफ जा चले जाते हैं, रूप रस शब्द गंध स्पर्श इसके 5 तन्मात्र कहा जाता है। आंखों की कार्य क्या है, क्या देखना है, बताओ जोर से बताओ, सुंदर रूप को देखना है, एक सुंदर कहीं गुलाब खिले हुए हैं कमल खिले हुए हैं हमारे आंख कहां पर चल जाएगी, वह कमल की तरफ चल जाए गुलाब की तरफ चल जाए, आंखें की कार्य ही है। संसार की जी माया की रूप देखने के लिए चले जाते रूप रस शब्द गंध स्पर्श ये इंद्रियों की वृत्ति है, स्वाभाविक रूप में चले जाता है, निमंत्रण देना नहीं पड़ता है, स्वाभाविक रूप में जा चला जाता है।
ऐसे इंद्रियों की हम कंट्रोल कैसे करें? अभ्यास और वैराग्य, जिसके इंद्रियां हमारे जिस तरफ जा रहे हैं उसके समझाना पड़ता है। इसलिए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी मनोशिक्षा में वर्णन करते जा रहे हैं, मेरे मन तुम क्यों जा रहे हो? मन को दंड देना पड़ता है। एक बार एक भागवत प्रवक्ता जो है, भागवत जो पाठ कर रहे थे, भागवत पाठ जब समाप्त तो हो गया, एक श्रोता को वक्ता ने उसको बुलाया, ये बोले देखो आज भागवत में जो कुछ भी बोला मैंने, तुम कथा में इतने रोया क्यों, आंखों से आंसू क्यों गिराए? तो व्यक्ति श्रोता कहने लगे, महाराज आपने कथा में एक दिन बताया दुष्ट हमारी इंद्रियां भगवान के रूप नहीं दर्शन करके, भगवान की अधरामृत नहीं पान करके संसार के रूप देखने के लिए जाते हैं, संसार की वस्तु ग्रहण करने के लिए जाते हैं, और ऐसे इंद्रियों के क्या करना चाहिए, उसके दंड देना चाहिए। भागवत में ऐसे वर्णन है, इंद्रियों के दंड दो। मैंने सोचा मेरी आंख बहुत दुष्ट है, इसको मैं दंड देना चाहता हूं। संसार की वस्तु देखना चाहते हैं, इसलिए मैंने किया, जब आप कथा बोलने लगे तो आंखों में मिर्च है ना, उसके मैं आंख में डाल डाल ये आंख, तुम बड़े दुष्ट हो, संसार की वस्तु देखना देखना तुम चाहते हो, तुमको दंड देता हूं। भागवत पाठक इस कथा को सुनकर के कहने लगे, ये भागवत में तो लिखा है इंद्रियों के क्या देना चाहिए, दंड देना चाहिए। अर्थात इंद्र जिस विषय पर जाते हैं उस विषय से आप हटा करके ले आओ, नहीं आए तो उसको दंड दो, उसी तो वैराग्य कहा जाता है। वक्ता कहने लगे, भागवत प्रवक्ता कहने लगे, मैंने केवल भागवत पाठ किया किंतु ऐसे हम देखा ही नहीं एक व्यक्ति अपने इंद्रियों के दंड दे, किंतु आज एक कथा में क्या देखा, वो व्यक्ति अपने इंद्रियों के दंड दे। क्योंकि हमारे इंद्रिय स्वाभाविक में चले जाता है, वो उसी की कहा जाता है राग, कहा जाता है क्या बोलते हैं राग, विषय में राग रहता है, विषय की तरफ चले जाते हैं। भगवत भगवत कथा में राग हो तो भगवत कथा में जाएगा, किंतु भगवान भगवान की तरफ जाना इतने सहज नहीं है। बद्ध जीव के इंद्रियां प्रबुद्धि के चक्षु कर्ण नासिका जिह्वा त्वचा, ये कहां जाता है, रूप रस शब्द गंध स्पर्श पंच तन्मात्र के तल चले जाते हैं, उसके बार बार लेकर आना पड़ता है। हम इसलिए कर रहे हैं, बड़े बड़े जोगिंद्र मनिंद्र ज्ञानेन्द्र ध्यानेन्द्र इंद्रियों की पूर्ण रूप से वो निग्रह भाव के कंट्रोल कर नहीं पाते, किंतु देखो श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी पाद एक श्लोक सुंदर बताया, मैं इस श्लोक के बार बार मैं बताते रहता हूं। जत पाद पंकज पलास विलास भक्ता कर्मासम ग्रथितम उद्ग्रथन्ति संत तद वन्न रिक्त मतयो जतयो निरुद्ध श्रोतागनस्तम अरणं भज वासुदेवं श्रोतागनम अरणम भज वासुदेवम। जत पाद पंकज पलास विलास भक्ता, भगवान के चरण कमल की कोई यदि स्मरण करे, चिंतन करे, उनकी इंद्रियां अपने आप कंट्रोल हो जाएगी।
इसी जत पाद पंकज पलाश विलास भक्ता कर्माशम गधितम उद्ग्रथंती संत। बड़े बड़े संत महात्मा कर्म की जो जड़ जो है उसके वो नष्ट कर नहीं पाते है? किंतु जो संत जो भगवत भक्त जो है भगवत कथा श्रवण कीर्तन आदि के द्वारा नाम भजन आदि के द्वारा भक्ति करके वो सहज रूप में इंद्रियों के जो है वो कंट्रोल कर लेते हैं। इस श्लोक में करें जत पाद पंकज पलाश विलास भक्ता कर्माशं गोधितं उद्गतंति संत तद वन्न रिक्त मते जते निरुद्ध श्रोतागणस्तम अरणम भज वासुदेव। वसुदेव भगवान के नाम ग्रहण करने से उनकी कथा आदि श्रवण आदि के द्वारा इंद्रिया आदि अपने आप वो कंट्रोल हो जाए। वास्तविक सत्य है भगवत नाम ग्रहण भगवान की कथा मधुर कथा आदि श्रवण करें कुछ नहीं कर पाए तो एक कार्तिक महीने है ना है? अपने बिस्तर के सामने सिराहाने पर जुगल सरकार की राधा कृष्ण की चरण कमल के केवल फोटो रख देना है और प्रातः काल में नींद टूटने के साथ ही साथ उस चरण कमल के दर्शन करना एक महीने आप करके देखो है? अपने आप आपकी इंद्रियां जो है कंट्रोल हो जाए है? क्योंकि भगवान की चरण कमल में चरण में जो चिन्ह है उस चिन्ह के दर्शन करते रहो। कृष्ण के चरण कमल में 19 चिन्ह है कितने 19 और राधा जी के चरण कमल में कितने हैं 21। विभिन्न पुराण में कहते मत्स्य पुराण पद्म पुराण डिफरेंट डिफरेंट पुराण में वर्णन किया किसी पुराण में 21 बताते हैं किसी पुराण में 19 बताते भगवान की चरण कमल के इतने उसमें एक चिन्ह मैं बताता हूं जिसके तहत चक्र चिन्ह है देखना नीचे की तरफ चक्र कृष्ण की चरण कमल की चक्र के चिन्ह दर्शन करने के साथ ही साथ तुम्हारा संसार चक्र क्या हो जाएगा नाश हो जाएगा है? और इस संसार में पुनः आना नहीं पड़ेगा तावत जन्म तावत मरणम तावत जननी जठरे सैनम पुनः पुनः संसार में आना नहीं पड़ेगा है? कौन कौन इस संसार में आना चाहते हैं हाथ उठाए दो चार है? कौन आता आना चाहते हैं संसार में समझ में आ रही है आना चाहती कि नहीं अरे हाँ ना तो कुछ तो बोलो संसार में आना नहीं चाहते हो कहाँ आना चाहते हो तो संसार में कौन आएगा आपने जो इतने जो मकान बनाया बेटा बेटी के शादी कराया है ठीक है कि नहीं सब कैलाश के भांति कहते हैं आना नहीं चाहते हो तो ठीक है तो हर रोज क्या दर्शन करो गोविंद के चरण कमल के दर्शन करो विशेषकर चक्र संसार चक्र है किंतु हमारी वित्रासुर स्तुति में कह रहे हैं ममात्म श्लोक जनेशु सखम संसार चक्र भ्रमत स कर्म भी तन्माया आत्म दार आत्म जो आत्मात्मज दार गृहेशु आसक्त चित्त स ननात भूवात ममोत्तम श्लोक जनेशु सखम संसार चक्र भ्रमत स कर्म भी तन्माया आत्म आत्मदार गृहेशु आसक्त चित्त स ननात भूवात। मित्रासुर कह रहे हैं प्रभु
आपके निकट एक मैं प्रार्थना करता हूँ। पित्रासुर पक्खान जो है अतीब सुंदर महत्वपूर्ण जो है श्लोक पढ़ना, आनंद आ जाए, जिसमें गोपी भाव भी वर्णन कर दिया। अजात पक्षे व मतरंग कगा स्तनंग जथा वत्सर खुदार्ता प्रियंग प्रिय व भूषितंग, प्रियंग प्रिय व भूषितंग मनोत। इतना सुंदर श्लोक है वो, बिल्कुल गोपी भाव उसमें ममत अजात पक्षी व मतरंग खगा स्तनंग जथा वत्सर खुदार्ता प्रियं प्रिय व भूषितंग विषण मनोर्विचम दृक्षति त्वाम। इतना सुंदर गोपी भाव, पार्क गोपी भाव उसमें वर्णन है मित्रासुर पाकर में, श्लोक में स्तुति में है। किंतु मित्रासुर ये कह रहे हैं हम इस संसार में आना नहीं चाहते हैं, जैसे कहा ना कौन आना चाहते हो, कोई आना नहीं चाहते हो, किंतु मित्रासुर कह रहे हैं प्रभु हे प्रभु मेरे पूर्वजन के कर्म के अनुसार यदि आप संसार में मुझे प्रेरण करें, मैं आपकी कृपा को मैं अनुग्रह कर लेता हूँ, स्वीकार कर लेता हूँ। ये कहते हैं ममत्तम श्लोक जनेशु सक्षम संसार चक्रे भ्रमत सकर्म भी अपने पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार। मैं इस संसार में बार बार आते रहूं है? हम आना नहीं चाहते ना, किंतु वित्तासुर कह रहे हैं मेरे कर्म के पूर्वजन के कर्म के अनुसार मैं बार बार आते रहूं, क्या करें कर्म। किंतु आपके निकट एक प्रार्थना मैं करता हूं, संसार की जो माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार उनके प्रति मेरा कोई आसक्ति ना हो, आसक्त चित्त से ननाथ हुआ। क्योंकि आसक्ति ही क्या है, संसार में संसार के बंधन के कारण हो जाता है और कोई कारण नहीं है। संसार लुकते संसार बेकार है, संसार बेकार नहीं है, संसार में आसक्ति हो जाना वही क्या है, वही बेकार होता है उसका है। उसी में जीव कैसे बद्ध हो जाता है, इसे वित्रासुर करे प्रभु इतने मुझे कृपा करें संसार के जितने भी जन है माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार किसी के प्रति मेरा आसक्त ना, आसक्त चित्त से ना तो हुआ है। तो कहां आसक्ति कहीं तो रखना पड़ेगा नहीं कि नहीं है, आसक्ति कहां में लगाओ। कहते हैं हे प्रभु आपकी जो निज जन है वैष्णव में गुरु में मेरा आसक्ति हो जाए। जनेशु सक्षम आपकी जो निज जन जो है प्रभु की निज जन उनके प्रति क्या भाव हो मेरा सख भाव हो जाए है। भगवान कहते कि मेरे साथ तो करो आसक्ति। वित्रासुर कहते हैं भाई प्रभु आप तो विषय विग्रह, भगवान विषय विग्रह है ना है, आश्रय विग्रह भक्त जो है उनके प्रति मेरा स्नेह ममता प्रति हो है। और इसी प्रकार मैं संसार में भ्रमण करते रहे और आपकी सेवा करते रहो। ये कहते हैं ममत्तम श्लोक जनेशु सक्षम संसार चक्रे भ्रमत सकर्म भी तन्मय तो आत्म आत्मदार आत्मदार ग्रीसु आसक्त चित्त से नना तो भूआ। इतनी मुझे कृपा कर दीजिए बस है, किसी के प्रति मेरा आसक्त ना हो, आसक्ति ना हो, भगवान के भजन करें। गृह में रह करके भजन करना चाहिए कि नहीं चाहिए, गृह छोड़ करके घर छोड़ करके कहाँ जाओगे, सब मीराबाई थोड़ी बन जाओगे, कौन कौन मीराबाई बनना चाहते, एक भी नहीं। तो क्या करना पड़ेगा, संसार में रहें, सबकी सेवा आदि करें, भगवत सेवा आदि करें, संत महात्मा सेवा आदि करें।
आसक्ति भागवत जन शुद्ध भक्त के चरण में रह सकती है और कुछ नहीं। ब्रजवासी लोग किस प्रकार सेवा आदि करते गोविंद के चरण में है। मैया तेजो भैया तेजो गैया तेजो गोविंद कभी नहीं तेजो है। ब्रजवासी उसी कहते हैं सब कुछ त्याग देने के शिकार है, किंतु कभी गोविंद किसी त्याग नहीं दे। उसी प्रकार भगवान के चरण में मेरा रतिमती हो। देखो ये कार्तिक व्रत जो हम जो किसे कह रहे हैं, इस कार्तिक व्रत पालन करने से हरि कथा विशेष करके भागवत कथा श्रवण करने से आपके चित्त अपने आप भगवान के चरण में लग जाएगा। हम जिस कहने कथा तो श्रवण किया है, कितने भागवत सुना आपने, एक भी नहीं छोड़ा, सब कथा सुना, किंतु देखो कार्तिक महीने में भागवत कथा श्रवण इनकी जो महिमा क्या बताए, वास्तविक सत्य। एक ब्राह्मण मंदिर में ठाकुर जी के लिए एक दिया जलाए, दिया जलाए प्रदीप दीपक जलाए, जैसे दीपदान है ना कार्तिक महीने के दीपदान करते हैं है? वो दीपदान करके और वो बत्ती को दीपक के मंदिर के अंदर ही छोड़ दिया, बुझने वाला था, और पुजारी मंदिर बंद करके चले गए। और उसी मंदिर के अंदर में एक चूहा था, क्या था, चूहा चूहे था। जब वो बुझने वाला था, दीपक बुझने वाला था, इतने समय एक चूहा, वो चूहा आग्रह किया कि वो घी से जो है घी बत्ती को दांत से पकड़ ले। अब पकड़ लेने के साथ ही साथ वो आग की फ्लेम जो वो और भी प्रज्वलित हो गया। और देखो चूहे के दांत में वो रुई बिल्कुल गया, फंस गया है? और दीपक जलने लगे और वो चूहे के मुख बिल्कुल जल गया। और उसी अवस्था में जो चूहा क्या करने लगे, ठाकुर जी के सामने लोटपोट करते हुए प्राण को छोड़ दिया। हमारे विचार भगवान के विचार में कितने अंतर है आप सुनिए। हम सोचते तो बस वो दिया जलाए, वो तो दिया नहीं जलाया, चूहा दिया जलाया, दिया किसने दिया था, वो तो ब्राह्मण देकर के चले गए, वो तो बुझने वाला था। किंतु देखो भगवान के विचार में क्या है, भगवान कह रहे हैं, स्वयं भगवान विष्णु कह रहे हैं दीपक जलाने की फल मैंने किसी पूरा दे देता हूं। देखो वो चूहा जब शरीर छोड़ दिया, मर दे मर गया, उनकी आत्मा एक राजमहिष के गर्भ में, माने महारानी के गर्भ में राजकुमारी होकर जन्म ले लिया चूहा की आत्मा। देखो केवल एक दीपक जलाने की जो फल की है अधिकार सुना रहे हैं, हमारी जीव गोस्वामी पाद भक्ति संदर्भ में इसके उदाहरण दे रहे हैं। एक कार्तिक महीने में विशेष करके हर रोज तो ठाकुर जी के दिया तो जलाते रहते हैं, किंतु देखो कार्तिक महीने में ठाकुर जी की दिया जलाने की फल क्या है, इतना का। और वो क्या होकर जन्म ले लिया, राजकुमारी होकर जन्म लिया। देखो हम इसमें संसार में जो कुछ काम करते हैं ना, वो हमारे आत्मा में एक इंप्रेशन आ जाता है, संस्कार पड़ जाता है, जो आपके दिखाई नहीं पड़ता है, इंप्रेस्ड हो जाता है बाद में। वो छोटी बच्ची थी, वो राजकुमारी बचपन से किसी ने सिखाया नहीं, वो स्वयं जो है दीपक लेकर के वो ठाकुर जी के दिखाने लगे। देखो आश्चर्य की बात है, हम बहुत लोग कर रहे हैं, हम भी अगर कर देते हैं, हम ये जानते नहीं है क्या करना क्या नहीं करना है, जैसे हम यहां पर देखा अनेक लोग कर रहे हैं,
तो हम भी एक दीपक दिखा दिए। मैं तो कभी करता ही नहीं हूं, मैं जानता ही नहीं हूं दीपक दिखाने से क्या है, किसको दिखाना है, कारण क्या है, है? सब लोग दीपक लेकर के ठाकुर जी के ऐसे कर रहे हैं, मैं भी ऐसे करना है। ऐसे बहुत लोग करते हैं कि नहीं करते, बोले चलो यहाँ पर देखने में अच्छी लग रहे हैं, लाइट बंद कर दिया और सब देखे 500-600 लोग एक ही साथ में गए, और क्या कीर्तन कर रहे वो भी मुझे पता भी नहीं। संस्कृत क्या कीर्तन कर रहे हैं, क्या कीर्तन कर रहे थे भाई, हमें याद नहीं है, हमें जानता ही नहीं। मैं केवल हाँ केवल होठों के मैं ऐसे वो क्या बोले हमें पता ही नहीं। देखो इसके साधारण इसके फल कम नहीं है, जान में अनजान में नोइंगली अननोइंगली एक दीपक दान की फल इतने बता रहे हैं। हमारे जीव को सही पाद बता रहे हैं, देखो जुहा कहां जुहा की आत्मा कहां जन्म ले लिया, राजकुमारी होकर, और बचपन से स्वाभाविक रूप में सतस्फूर्त रूप में ठाकुर जी की दीपक दिया दे, उसके फलस्वरूप कैसे सुकृति बन जाते, और उस सुकृति के फलस्वरूप साधु संग सत्संग साधु संग भक्तिस्तु बहुत भक्त संग न परिजायते सत्संग प्रपदे पुंभी सुकृति पूर्व संचित। ऐसे अनेकों जन्म की सुकृति जब इकट्ठा हो जाता है और वो सुकृति जब परिपक्व हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तब साधु संग में हो जाता है, और साधु संग में तब भगवत कथा में रुचि उत्पन्न होता है। एक कार्तिक महीने की महिमा बता रहे हैं, इस महीने में कोई थोड़ी सी कथा सुन लिया, दीपक जला दी, उनकी फल इतने दे देंगे भगवान। गीता में भगवान क्या बोले, सुचिनांग श्रीमतांग गृह योग भ्रष्ट अभिजायते। कोई भजन साधन कर रहे हैं, भजन साधन करते करते उसके भजन साधन परिपक्वता नहीं हुआ, इमैच्योर हो गया और शरीर छोड़ दिया, भगवान कहते हैं मैं दूसरी जन्म में नेक्स्ट बार्थ कहां उसको जन्म दे दूंगा। सुचिनांग श्रीमतांग गृह पवित्र निर्मल भक्त गृह में जन्म दे देता हूं, और जिसे धन संपत्ति के किसी प्रकार कमी ना हो। ठाकुर जी की सेवा करने के लिए धन चाहिए कि नहीं चाहिए, कौन कौन धन चाहते हो, हाथ उठाओ, लज्जा क्यों करते हो, हम किसी को हम ही चाहते हैं, क्यों है चाहते कि नहीं, कपड़ा ढक करके हाथ रखे ना दोनों हाथ उठाए, ठाकुर जी कहेंगे बोले तुम तो पूरा हाथ उठाए नहीं, फिर आधा दे देंगे फिर सुचिनांग श्रीमतांग है, सुचि माने पवित्र, श्रीमतांग अत्यंत धनी गृह में है, भक्त गृह में शुद्ध दे दे, जिससे किसी प्रकार धन की अभाव न हो, ठाकुर जी की सेवा के लिए धन दे दें, जाओ ये धन दो सेवा में लगाओ। देखो ठाकुर जी की इतनी कृपा दी, गीता में भगवान करें सुचिनांग श्रीमतांग्री जुगभ्रष्ट विजायते, ठाकुर जी की सेवा करते रहो बस। धन की फल क्या है, भगवत सेवा में लगा दी, साथ में तो कुछ लेकर के नहीं जाएंगे, कुछ समय तक हमारी जेब में रहेगा, बातें सही है, जैसे 50 रुपए दिए कुछ समय का हमारी जेब में रहा, इसके बाद दूसरे के जेब में चला जाएगा नहीं जाएगा, इसके इसको क्या कहते हैं, चंचल चंचला लक्ष्मी, ये एक स्थान में रहती नहीं है, रहती है आज किसी के जेब में है दूसरी समय और किसी के जेब में जा रहे हैं, बाजार में हम खरीदते हैं
फिर वो चलते चलते जा चंचला हालत से है। किंतु देखो भगवत भक्ति जो है जो कर लेते हैं वही हमारे साथ में चलाया जाता है। भगवत कथा श्रवण इसके फल क्या बताएं, केवल वो चुहाने दीपक जला दीपक वो तो जला ही नहीं, वो तो उनके पता ही नहीं था। जैसे मैंने कहा मुझे पता ही नहीं है महिमा हम जानते नहीं और दीपक ऐसे घुमा दी है और क्या श्लोक बोल रहे हैं हमें भी पता भी नहीं है। कोई सब बोल रहे हैं मैं नहीं बोलूं तो दूसरे कहेंगे ये तो मूर्ख है। सो मैंने क्या कहता बीच बीच में ऐसे वो क्या बोल रहे हैं मुझे क्या पता है। नमामि सारं सचिदानंद रूपं रसद कुंडलं गोकुले राजमान जसोदाभियोलो खलाब्धावमानं परामृष्टमात्तं ततद्रुतगो उदंतं मूर्नेत्रं जुग्मामृजान्तं कराम्बुजयुग्मेनो सातंकनेत्रं मूर्छासतं पस्त्रेखाङ्कं च कुंडे साधो संगनी मज्जंत आच्छापय सिताभ्येषु भक्तैर्दि सत्तम् पुनः प्रेम सत्तम् तथा वृत्तिवन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षं बधिं वा न चन्नं ग्रीनेह बरे साधपीयं ईदन्ते बपूर्णाथ गोपाल बालं सदा मे मनसावे रासंकिमानि ईदन्ते बुद्धियुजो आवक्तनीलै वृतं कुन्तलै स्निग्ध रक्तैश्चोपा मुहुश्चुम्बितं बिम्ब रक्ताधरं मे मनसा विरासा अलं लक्षणा दामोदरयन्त विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जलाभिमग्नम् आदिष्टिष्टति दीनं वतान् क्रियानि यामोचितो भक्ति वाजो कितो च तथा प्रेम भक्ति भक्ता मे व्रज च नाम भक्ति नाम दाम मे सुरदीप्ति दाम मे सुयदायक विश्वस्य दाम मे राधिका होइ तदीय पिया नमः अनंत शिवाय राधिका नम राधिका ओ तदीय प्रिया ओ नम राधिका ओ
नमो दामो दामो दर राधा दामो दर ये दामोदर अष्टकम दामोदर मास कितना मधुर माइने है। सत्यव्रत मुनि कितने सुंदर भाव की प्रकट कर रहे, मधुरीन समापित अंत में मिठाई बांट रहे। हमारे महाराज जी आए मिठाई देने के लिए, हम तो कड़वा नीम डाल देते हैं। बंगाल में होता है ना भाई, जैले जैसे उत्सव होता है ना, भंडारा होता है, पहले क्या सब्जी दिया जाता है जानते हैं? क्या दिया जाता है? करेला, नीम बैगुन दिया जाता है। करेला की सब्जी पहले दिया जाता है, जिसके सुक्ता कहते हैं। क्या बोलते हैं? सुक्ता बोलते हैं, सुकत साकी दे भाजा नालीदा कुसमंडो है ना। कड़वा सब्जी दिया, हम तो कूड़ा सब कड़वा सब्जी दे दिया, और महाराज जी आए हैं मिठास है। थोड़ी थोड़ी बोल रहे हो ना, ज्यादा कहाँ बोल पा रहा, क्यों? ये दामोदर महीने है रे, हम इसलिए कह रहे हैं। देखो इस महीने की इतने महिमा बताती जा रही है, थोड़ी सी कही भक्ति आचरण कर ले बस। यहां भी क्रमो नाश वस्ते प्रत्यवान विद्यते सर्वम अभ्यास धर्म से त्रायते महतो भयात। गीता में भगवान कह रहे हैं, कलिजुग में कहां भक्ति कर पाएंगे है? बात ऐसे ही कह, क्यों थोड़ी सी कह, यहां भी क्रमो नाश वस्ते। और भक्ति की कथा है रागानु का भक्ति की, इसमें कहीं भी थोड़ी सी जी क्रम जो है इनसिक्वेंस हो जाए, क्रम यदि कहीं थोड़ी सी भंग भी हो जाए उसमें दोष नहीं लगता है। यहां भी क्रम नाश होते प्रत्यवना विद्यते, कोई दोष नहीं लगता है। भक्ति के अंग श्रद्धा के साथ कोई थोड़ी सी आचरण कर ले, भगवान कहते हैं इसके इतने फल देता हूं, कितने फल दे देता हूं, क्या बता। इसे कहते स्वल्पम धर्म से त्रायते महतो भयात। संसार ये भय जो है वो संसार भय अपने आप वो दूर हो जाए। ये कार्तिक व्रत आदि पालन की महिमा करें, हमें पालन करना चाहिए नहीं। कुछ लोग कहते हैं चार महीने पालन करना नहीं है, केवल एक महीने पालन करता हूं कार्तिक व्रत, किंतु गुरुदेव कहते थे नहीं चार महीने करना चाहिए। करना क्या है, वही तो खाते रहते, कुछ खाना और कुछ नहीं खाना, यही तो बात है। जो कुछ भी है, मैं सरल रूप में कहता हूं भाई, कोड़ी में व्रत क्या है, सावन में साग नहीं खा रहे, भादों में दही लेना नहीं चाहिए, आश्विन में दूध माना कर दिया, और कार्तिक महीने में सरसों तेल वर्जित कर दिया। ये तो इतना ही तो है, और क्या है। ये कह रहे बैगुन, बैगुन खाने से तो क्या हो जाता है, कीड़ा हो, बैगुन में कीड़ा हो जाता ना है। लौकी है, उड़द की दाल, उड़द दाल तो मिलता ही नहीं, कहाँ है। है वो बोल रहे राजमा, वो तो दिल्ली के लिए छूट दिया था गुरुदेव एक बार बोले गुरुदेव, शुरू शुरू में गुरुदेव के साथ आ रहे, बोले गुरुदेव हम लोग पंजाबी है, टमाटर के साथ रमेश के सब क्या बोलते हैं, टमाटर सस और राजमा
छोड़ नहीं भाई गुरुदेव। अच्छा तीन महीने कुछ करना है करो, किंतु कार्तिक महीने में स्थल विशेष में लोगों की आकर्षित करने के लिए जरूरत होता है कि देखो हम एक शास्त्र में कहा गया बड़े लंबी बांस है ना बंबू जो है उसके एक साथ में आप टेढ़ा नहीं कर सकते है कि नहीं। उसको टेढ़ा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, धीरे 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 होता है, बंगाल शब्द में कहते हैं कचाए ना बस नुआले बांस पकाई करे टांस टांस, कच्चा बांस हो ना उसके टेढ़ा उधर टेढ़ा हो जाता है, और वही बांस जब पक जाएगा है उसके टेढ़ा करो वो क्या हो जाएगा है फट जाएगा। हम इसलिए कह रहे हैं धीरे 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 भक्ति मार्ग में हम प्रवेश करें, कार्तिक व्रत आदि पालन करें, नियम करके भागवत कथा आदि श्रवण करें और ये मंत्र आदि जप करें, गोपाल मंत्र आदि जो है इस मंत्र की इतनी महिमा, विशेष करके गोपाल मंत्र है, गोपाल मंत्र के कहा जाता है मंत्र राज, जितने मंत्र है समस्त मंत्रों के राज कौन है, राजा कौन है, गोपाल मंत्र कहा जाता है। गोपाल मंत्र जप बृहद भागवतम तो ग्रंथ में वर्णन कर, मथुरा के रहने वाले एक ब्राह्मण है और मथुरा छोड़ करके चले गए प्रागज्योतिषपुर, कहां चले गए वो कहां है आसाम, आसाम के कहा जाता है प्रागज्योतिषपुर कहा जाता है, वहीं पर बिजनेस करना शुरू कर दिया किंतु उसे बिजनेस फेल हो गया, भजन की यहां तक भी उनके सब मूलधन जितने भी बस सब समाप्त हो गया है, अंत में वो बेचारी घूमते घूमते थक गए। एक दिन कामाख्या मंदिर में, कामरूप कामाख्या है ना आसाम में, उस मंदिर में जाकर के विश्राम करने लगे, सोने लगे, देखो देवी संग देवी उनके एक गोपाल मंत्र दे दी है और कहने लगी इस मंत्र जप करने से तुम्हें सब कुछ प्राप्ति हो जाएगी। मंत्र की हम इसलिए कह रहे हैं ये गोपाल मंत्र इस कार्तिक महीने में नियम करके इस मंत्र के जप करो, इतना फल प्राप्ति हो जाएगा, सिद्धि तक पहुंचे सब कुछ प्राप्ति हो जाएगा है, भगवत प्राप्ति करा देंगे गोपाल मंत्र ऐसे इस कार्तिक महीने में की महिमा है। कार्तिक महीने में धाम की परिक्रमा करें, शरीर के द्वारा यदि संभव नहीं हो, और भक्ति ठाकुर कहते हैं शरीर के द्वारा यदि धाम वास संभव नहीं हो कम से कम क्या करो मन के द्वारा मानस में वास करें। मानस में कैसे वास करें, धाम में उस कथा श्रवण करें, धाम की महिमा श्रवण करें, शुद्ध वैष्णव के संग आदि करें, रसिक जनों के साथ संग आदि करें, धाम महिमा श्रवण इस कार्तिक महीने, क्योंकि भगवान कृष्ण के जितने भी मधुर लीला आदि हुए अधिक से अधिक ये समझते लग किस महीने में हुआ, इस कार्तिक महीने में है, इसलिए कार्तिक महीने के कई नाम से कहा जाता है, नियम सेवा मास कहा जाता है, ऊर्जा व्रत भी कहा जाता है, ऊर्जा माने शक्ति, ये सर्वशक्ति के अधिष्ठात्री देवता है जो है कौन है, ये राधा जी, राधिनी शक्ति सर्वणी श्रीमती राधिका, राधा जी के कोई व्रत रखे तो राधा ही सब कुछ है। लोग देवी दुर्गा व्रत रखते हैं अभी गए ना है, कुछ लोग तो छोड़े ही नहीं, बल्कि किसी को दुख देना नहीं है सबको करते रहे बोले नहीं राधा जी के व्रत करो, ऊर्जा व्रत है, कार्तिक व्रत, ऊर्जा व्रत, नियम सेवा व्रत है, दामोदर व्रत, जैसे अभी भी सुना ना इस महीने में
स्वयं माँ जसोदा गोपाल को छोटी सी रस्सी के द्वारा दम के द्वारा उनकी कमर में बांध दिया था, इसे कहा जाता है जसोदा दामोदर। और एक दामोदर के नाम कहा जाता है राधा दामोदर। इसी महीने में एक बार कृष्ण रास से अंतर्ध्यान होने के बाद पुनः जब गोपी समाज में प्रकटित हुए, संग श्रीमती राधिका फूलों के माला के द्वारा उनकी बांध दिया था, इसलिए उनके नाम है राधा दामोदर। इतने संदेश, इसलिए सत्यव्रत मुनि लास्ट में क्या बोले, मधुरे न समापयित नमो राधिका वही तदीय प्रिया वही नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम। नमो अनंत लीला, कृष्ण की अनंत लीला क्या है, रास लीला की अनंत लीला कहा जाता है। इस महीने में अर्थात कृष्ण की सर्वोत्तम लीला कौन सा लीला हुई, रास लीला हुई। जैसे काल हम लोग शरद पूर्णिमा की रास शारदीय रास थे ना, काल शरद पूर्णिमा कहा जाता है रास। समय कम होने के नाते काल उस कथा को हम कीर्तन नहीं किया, परम गुरु महाराज के इतने सुंदर जीवन चरित, भक्त के जीवन चरित, उत्तम तो महाभारत जीवन चरित श्रवण करने के लिए सौभाग्य प्राप्ति है। रासलीला इस महीने में रासलीला कथा श्रवण करना चाहिए। आप वृंदावन में जाइए, कहने की हर रोज रास होती रहती, रासलीला का कीर्तन कर। पता नहीं वो शुद्ध भक्त करते हैं कि पान चिवाने वाले भक्त करते हैं, हमें पता नहीं, समझ में आए है? बहुत लोग रासलीला करते हैं किंतु शुद्ध नियम के पालन नहीं करते है। शुद्ध नियम पालन करने वाले भक्त के मुख से ये रासलीला कथा श्रवण करना चाहिए। विकृतं ब्रजवधु विदंच विष्णु श्रद्धान्वितो अनुसन्नाद वर्णेद अथ भक्तिं परां भगवती प्रतिलब्ध काम हृद्रोगं आसु अपहिनति अचिरेण धीर। रासलीला कथा की फलश्रुति श्री सुखदेव गोस्वामी पाद इस श्लोक में बोल रहे हैं, विकृतं ब्रजवधु विदंच विष्णु स्वयं भगवान कृष्ण विष्णु व्यापनोति दिविष्णु। और कृष्ण रासलीला में गोपियों के साथ कैसे अतीव द्रुत गति से, वेरी स्पीडी है, एक गोपी से दूसरे गोपी के साथ कैसे नित्य आदि कर रहे है, ऐसे लीला कथा को श्रवण करना चाहिए। ये कहते हैं विकृतं ब्रजवधु विदंच विष्णु, कैसे श्रवण करना चाहिए, श्रद्धान्वितो अत्यंत दृढ़ श्रद्धा के साथ है। फिर कह रहे पुनः पुनः श्रवण करना पड़ेगा, एक बार नहीं, बोले एक बार तो सुन लिया तो हो गया, बोले नहीं है, पुनः पुनः श्रवण करना पड़ेगा। फिर कह रहे हैं क्या, अनुगत्य में श्रवण करो, वैष्णव के अनुगत्य में श्रवण, विकृतं ब्रजवधु विदंच विष्णु श्रद्धान्वितो अनुसृणा, अनुसृणा की कितना अर्थ बता रहे, अनुमाने निरंतर, अनुमाने अनुगत्य में, अनुमान के पीछे पीछे पुनः श्रवण करने के बाद पुनः कीर्तन करो है। अनुसृणाद वर्ण्य दत्त भक्ति परांग भगवती प्रतिलब्ध काम, पराभक्ति श्रेष्ठा जो भक्ति तुम्हारे हृदय में उदित हो जाए है, और तुम्हारे हृदय में जितने भी काम क्रोध आदि अपने आप वो नष्ट हो जाए है। भक्ति परम श्रद्धा अनुसन्नाथ वर्णित भक्ति परम होती प्रतिलुप काम हृद्रोग आसु अपनी अचिरे न धीर है। सबसे जीवों की रोग बीमार बीमार क्या है, कौन सा रोग है, हृद्रोग, हार्ट पेशेंट सब है, है? क्या हार्ट पेशेंट है? है काम क्रोध आदि सब भरा हुआ है, इसके कैसे आप निकालोगे, बोले ऐसे कथा श्रवण के द्वारा है। पहले अंधकार जाए, इसके सूर्यालोक आने के साथ ही से अंधकार दूर हो जाता है, है? किंतु यहां पर कह रहे हैं आश्चर्य की बात,
ऐसे कथा श्रवण कर करने से पहले प्रेमा भक्ति उदित हो जाएगा, इसके बाद काम क्रोध दूर हो जाएगा। बोले कैसे संभव? बोले कथा की शक्ति इसमें है, राष्ट्र की कथा की फलश्रुति बता रहे हैं। भक्तिंग परांग भगवती प्रतिलब्ध काम, कामात्मिका भक्ति, भक्ति के बारे में कहा गया है। एक है संबंधात्मिका भक्ति और एक है कामात्मिका भक्ति है। कामात्मिका भक्ति के फिर दो प्रकार बताया, क्या क्या? एक संभोग इच्छामयी और एक तत्त भाविच्छामयी भक्ति है। ये तत्त जो भाविच्छामयी भक्ति जो है, इसकी कहा जाता है मंजरी भाव के प्राप्ति करा दे, इतने उन्नत स्तर में आपको लेकर जाएंगे। देखो कितने सुंदर, इसलिए श्रद्धा के साथ इस कथा को श्रवण करें, श्रवण करें। हम जितने दृढ़ता के साथ हम श्रवण करते रहेंगे श्रद्धा के साथ, वो अपने आप प्रकट होते जाएंगे। भक्ति के अधिकारी कौन है बोलो? श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी। श्रद्धा में विश्वास, जब तक भक्त कथा में विश्वास नहीं हो रहा भक्ति नहीं, विश्वास कर। यही विश्वास थ्री टाइप्स होते हैं, तीन प्रकार होते हैं। एक कोमल श्रद्धा होता है, कोमल श्रद्धा होता है सॉफ्ट फेथ, और एक होता है मध्यम अधिकारी श्रद्धा होता है। शास्त्र ज्ञान के द्वारा वो जानना चाहते हैं, और एक होता है दृढ़ श्रद्धा, अनफेंसिंग फेथ। ये दृढ़ श्रद्धा जब हो जाता है, अत्यंत की श्रद्धा जो कहा जाता है, ये अत्यंत की श्रद्धा जब हो जाएगा अपने आप वो आप चले। इसे श्रद्धा के श्रद्धान्य तो अनुसूनाद वर्णे तथ भक्तिं परांग भगवती प्रतिलब्ध कामो हृद्रुगम आसु अपनति अचिरे न धीर। जो धीर व्यक्ति सुपर पर्सन वो इसके आचरण करते हैं, भजन साधन करते करते अपने आप होगा। और ठीक उसके और एक पैरेलल श्लोक क्या बोल रहे हैं? नहीं तो समाचार जातु मनस अभिजनिश्वर विनाशति आचरण मुहूर्त जत यथा अब्दिज विषम। शिवजी सारे जहर को पान कर लिए, विष को पान कर लिए, कब? जब समुद्र मंथन हुए लगे। समुद्र मंथन से जब समुद्र मंथन करने लगे, उसके सारे जहर जब निकला, विष निकला, कौन पान किया? शिवजी पान करके कहाँ रख दिया? गले में रख दिया। इसलिए शिवजी के एक नाम है नीलकंठ महादेव, नीलकंठ महादेव। शिवजी विचार करने लगे, मेरे प्रभु मेरे हृदय में बैठे हुआ है, कहीं जहर पी लिया तो प्रभु के कष्ट ना हो। इसलिए शिवजी कहाँ रख दिया? अपने गले में, गला में रख दिया। कितने ममता है देखो शिवजी का है। तात्पर्य क्या? कोई शिवजी के भांति ऐसे व्यक्ति हो तो वो जहर पान कर सकते हैं। और शिवत्व प्राप्ति तो ऐसे गुण नहीं प्राप्त करके कोई सोचे मैं जहर के पान कर लूं तो क्या उसकी मृत्यु हो जाए। इसे कहता है नहीं तत् समाचरित जातु मनस अभिजनिश्वर। ऐसे राष्ट्रला की कोई श्रवण करके कोई कृष्ण के भांति अनुकरण करना चाहे उसके मृत्यु असंभव, उसके ढंग से विनाश हो जाए। इसे कहता है नहीं तत् समाचरित जातु मनस अभिजनिश्वर मुद्रा जता शिवम विनाशति अच्छा मूड यथा रुद्र मूड, यही तो बताते जा रहे भागवत। आचरण न कर, यह तो मन के द्वारा भी रास करने के लिए
चिंतन भी ना, चिंतन करना नहीं चाहिए। ये कृष्ण ने रास किया मैं भी रास करूं, ऐसे नहीं है। कथा श्रवण के लिए कहीं भी मना नहीं कर रहे हैं, किंतु कोई रास करने के आचरण करे उसके मृत्यु अवश्य संभावी हो जाएगी, मर जाएगा है। इसलिए इस कार्तिक महीने में कितने सुंदर कार्तिक महीने में है कृष्ण की रास लीला की कथा, कृष्ण की गोचारण की लीला है, जितने भी विविध लीलाएं कार्तिक महीने में सब कुछ हुआ है। इसे कार्तिक व्रत हम पालन करें और भागवत कथा श्रवण करें, भागवत श्रवण करें है। 21 तारीख से 27 तक 7 दिन परीक्षित महाराज की भांति एक आसन में बैठे है और कथा श्रवण करें है। मैं कहीं कहीं देखा जो भक्त लोग कथा सुनने के आते हैं ना, बंगाल में ही देखा मैंने, वो अपने घर से आसन लेकर के आते हैं, उसमें ही बैठते हैं, उसी कथा आसन सिद्धि, 7 दिन एक आसन में बैठो है कथा सुनो, वो आसन सिद्धि हो जाता है। उस आसन पर बैठ करके जो बोलोगे ना वो सत्य हो जाएगा, समझ में आ रहे ना है। अपने अपने आसन लेकर के आना, ठीक है यहाँ पर तो आसन तो देंगे बैठने के लिए, किंतु अपने आसन में एक आसन में बैठो और हर रोज 7 दिन लगातार 7 दिन कंटिन्यू उस आसन में बैठो। 7 दिन के बाद देखना चमत्कार दिखाई पड़ेगा है, समझ में आ रही कि नहीं है। हाँ कथा सुनो है, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। 9:30 है और हर रोज दामोदर अष्टकम पाठ करें है, केवल कीर्तन नहीं है, कीर्तन करें चला दे हो गया बस नहीं, उसके श्रवण करें है और तो समझे लीला। उसमें गुरुदेव का सुबह कितना सुंदर गुरुदेव की है कथा उसमें बना है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राम। महाराज जी बोले, अरे टाइम तो होता है, घड़ी तो ही तो घड़ी तो चलेगी उससे हम काल के कौन रोक सकता है। हाँ 200 ठीक है, महाराज जी ने बोला है सम्मान पूर्वक 200 शब्द। महाराज जी ने रासलीला की बात करी और रासलीला का थोड़ा सुंदर श्लोक जो गुरुदेव को प्रिय था उसके बारे में बोला, विक्रणम श्री गुरुदेव का ये विचार सब समय रहा है और वेणु गीत में भी उन्होंने प्रस्तावना में लिखा है कि कोई यदि सोचेगा कि मैं पहले ठीक हो जाऊंगा फिर उसके बाद राधा और कृष्ण के इस निगूढ़ लीलाओं को सुनूंगा, जब विशेषकर रास लीला या भागवत के ही जो विचार उनको सुनेगा तो गुरुदेव बताते हैं कि वो बिल्कुल वैसा ही है जो यदि कहेगा कमरे में जो है ये क्या कहते हैं ये अंधकार है, पहले वो जाएगा फिर उसके बाद रोशनी आएगी तो फिर उसके बाद करूंगा, वो कभी तो हो नहीं सकता, रोशनी जितना जितना प्रवेश करेगा उस परिमाण में ये अंधकार जो है दूर जाएगा। ठीक वैसे ही कृष्ण की कतार रूपी रोशनी जितना जितना प्रवेश करता जाएगा उतना उतना राजनीति शक्ति साफ होता जाएगा। तो काफी लोगों का विचार है कि पहले हम ठीक होंगे बाद में रुके हुए,
सबसे पहले तो ठीक हो गए कैसे, जब तक कृष्ण को बीच में बिठाए नहीं तो ठीक कैसे हो जाओगे? पहले की पहले यही चीज बता दो कि ठीक का क्या मतलब, जब कृष्ण ही नहीं बैठे हैं तो ठीक क्या है और ठीक कैसे हो जाओगे फिर? आई मीन इफ यू डोंट ब्रिंग कृष्ण बिटवीन योर हार्ट हाउ विल यू बिकम प्योर? विदाउट दैट इट्स नॉट पॉसिबल टू बिकम प्योर. So no matter what you are, whichever stage you are, good, bad, or whatever it is, you try to bring Krishna by chanting Holy Name, Krishna with you. You will become pure slowly. Otherwise, thinking that you will become pure one day, then you will try to research from this katha, it's like a daydream. Big daydreaming that, oh, you know, it's like that. We have to become pure. Hum, सास पुत्रा शुद्ध तभी हो सकते हैं जब कृष्ण को लाए, क्योंकि कृष्ण ही शुद्ध है, बाकी सब शुद्ध कुछ नहीं. इसलिए कृष्ण को लाएंगे तो शुद्ध होंगे, तो धीरे धीरे बाकी चीज साफ हो जाता है, नहीं तो नहीं हो सकता. इसलिए यहां पर यही बोला गया कि सुनो, कि तो किससे सुनो, किसी से भी सुन लो, नहीं सुन लो टीवी खोल लो, सारे बहुत अच्छा बोल रहे, एक से बढ़ के एक कह रहा है. टीवी नहीं मतलब मैं रील खोल लो, रील में एक से बढ़ के यार सारे ही सुन लो. नहीं, सबकी नहीं सुनने. जिसने गुरु परंपरा से जिन्होंने गुरु की सेवा किया है, जिन्होंने सेवा भावना को जगाया है, सेवा वृत्ति क्या है समझना है, ऐसे सेवा भावना वाले रासलीला को कहते हैं, तब सेवा भावना जगेगा. नहीं तो क्या काम भावना जगेगा इससे ज्यादा और क्या? इसलिए इन सब चीजों पर ध्यान देना कल रासलीला का. और पंचायती रास कहते हैं, और पंचायती रास में जो है श्री कृष्ण राधा जी को लेकर के है ना रास में, और कृष्ण ने श्रृंगार मठ में राधा जी को पूर्व से श्रृंगार कर. अब जब राधा जी ने कहा मुझे पीठ में बिठाओ और ले जाओ, कृष्ण उनको भी छोड़ के क्यों गए? इसलिए गए, तब राधा जी का विरह की जो दशा है बड़ा भयंकर था. ना सरमन परिष्ट क्वासी क्वासी महाभुज, तो ये सब चीज को हम यदि स्पर्श नहीं करेंगे फिर तो रासलीला क्या ही समझ आया, तो क्या ही समझेंगे. लेकिन रासलीला में विरह विरह थोड़ा मिलन, फिर विरह 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 होते होते थोड़ा सा फिर बाद में मिलन विरह ही ज्यादा. इसलिए इन सब चीजों को जानेंगे तब जाकर के शुद्ध भक्ति जागृति होगी, तब शुद्ध होंगे, तब जाके हम हरी. और क्या करना है, प्रसाद पाने महाप्रसाद की.